कम से कम एक घंटा हो गया है अभी तक नहीं आ रहे हो दोस्त लोग। जाने का था 10 बजे, अभी फिलहाल 11:30 हो चुके हैं, अभी तक नहीं आ रहे, इधर ही वेट कर रहे हैं हम। मतलब हर एक फ्रेंड सर्कल में ऐसे फ्रेंड्स होते ही हैं जो कि 10 बजे अगर मैं बोलूँगा तो 11:30 बजे तक वो आ जाते हैं। He said one day you leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. उन लोगों का वेट नहीं कर रहे हम, जा रहे थोड़े आगे तक, वो आएंगे जब तक आना है तब तक। You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided when I die, I want to be remembered for the life I lived. Not the money I made. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. He said one day you leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. अंकल एक काम कर, पेप्सी नाले मिरांडा दे, मिरांडा मिरांडा किसी तित हाफ लीटर आस नहीं कुछ कर नहीं तित हाँ तित पड़े लेने पड़े ओपन करे क्रीम ले हाँ तित कितने लगा पंची चाय क्या था आने के लिए आने का है ना थोड़ा तित थोड़ा एक दिन क्या है सेपरेट है तो मिरिंडा लिया हमने 45 की। गाइस इसको पहचानते हो, बचपन में हम खाते थे, कई लोग बोलते थे इसको पापड़ी और कई लोग बोलते थे इसको कुरकुरे, 1 रुपए में मिलते थे। और थोड़े लोग ये भी बोलते थे बॉट, मतलब 5 उंगलियों में डालते थे इसको। कटवे ये जो प्लेस है, और इधर से फिर से हमको और के रोड में ही जाना पड़ेगा। मतलब कम से कम 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने शॉर्टकट में कवर कर लिया, नहीं तो और 5 किलोमीटर लगता था हमको। हम नेगेकोवे पहुंच चुके हैं और उनकी राह कर रहे हैं, अभी तक वो नहीं आए। 10:30 बोला था तो अभी तक मेरे दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आए वो। 10:30 तो हो गए कब के, अभी तो 12:30 बज चुके हैं। इधर मेन प्रॉब्लम क्या है कि नेटवर्क का इशू है, इधर BSNL का नेटवर्क आता है इधर, तो उनके लिए वेट कर रहे हैं इधर ही ताकि वो रास्ता ना घूम सके। इसके लिए वो जो स्ट्रीट रोड दिखाई दे रहा है मेरे उस पार, इधर कारवार जाता है, इधर से कारवार का रोड है और इधर फिर से देवल मक्की जोईडा दांडेली, और ये जो प्लेस है नेगेकोवे। लोग आ गए आखिरकार, मैंने बोला था ना व्लॉग में यही लोग थे वो, मतलब 10:30 बजे बोले थे इन्होंने, अभी 12:30 या 1:30 बज चुके हैं।
पीछे हंस रहा था ना वही था आदमी जो 10:30 बोल के 1:30 बोला। और क्या फ्लो है देखो, कितने फ्लो बोल के लिए तो अच्छा नहीं है ये पिकनिक करने के लिए क्योंकि करंट बहुत फास्ट हो रहा है और आप देख सकते हो इधर ढलान भी वो पिकनिक का स्पॉट है। इसे आगे गाड़ी की चाबी लेंगे पहले। तो खाने में हमने बिरयानी लाई है, 4 बिरयानी और कबाब है और इधर बैठेंगे, एकदम मस्त जगह है इधर बैठने का। इधर बैठेंगे हम अभी और साइड में फोटो। कैसा तो प्लेस लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा है ना, पीछे आप देख सकते हैं। इधर कैसा था विशाल भाई बिरयानी? ऑसम, वाह, बहुत ही अच्छा है। उसने उसके साथ है ना, हमने रायता भी लिया था उसके साथ, मिरिंडा लेके आए थे हम। बहुत ही अच्छा है इधर जगह, हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय की बिरयानी हमारे दोस्तों के साथ, विशाल उसके साथ में साइड में बैठा है चौपड़े का, बहुत ही मज़ा आया। और फिर इधर अश्वत भी बहुत ही मज़ा आया। देखो इस टाइम में बारिश हो रही है, कर दिया हमें बारिश के कारण ऐसा कर रहा हूँ, बारिश हो रही है और अच्छा नहीं लग रहा है। इधर हम अश्वत भाई बैठे हुए हैं,